वो परोपकार जानता है। कोई नहीं बोला, जटायु जी बोले। और रावण से ये नहीं कहा कि श्रीमान दशानंद जी खड़े रहो, आदरणीय लंकेश जी कहां जा रहे हो, पूजनीय रावण, वही कहा जो चोर से कहना चाहिए, रे रे दुष्ट ठाण किन हो, अरे दुष्ट खड़ा रहे मुझे नहीं जानता। अब रावण ने पहली बार दुष्ट सुना था, उसकी तो लोग रोज स्तुति करते थे। रावण ने कहा मुझे दुष्ट कौन कह रहा है, समझा शायद भगवान विष्णु आ रहे हो। मैनाक पर्वत हो, लेकिन जब जटायु जी पास, अरे ये जटायु मम कर तीरथ छान ही लिया। अच्छा जटायु जी ने ऐसे नहीं कि ऐसे कह दिया हो, पास जाके समझौता कर लिया हो। कई बार लोग कह देते हैं, फिर नजदीक आके कहते हैं देखो बुरा मत मानना, वो तो 10 लोगों को देखकर कह दिया था, लेकिन अब आप तो स्वयं समझदार हैं, आपकी छवि धूमिल होती है। जटायु जी ने वही कहा जो कहना चाहिए, जटायु जी ने वही किया जो कर देना चाहिए। अब जटायु जी के पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रावण के पास साधन है और जटायु जी के पास धर्म की साधना है। कैसे सन्मुख हुए जटायु जबकि शत्रु सबल था, क्योंकि आत्मबल गृद्धराज के जीवन में भी प्रबल था। यह मनोबल था, आत्मबल था। कितना बढ़िया शस्त्र, धनुष हो तो बाण चढ़ाना पड़े, तलवार हो तो म्यान में से निकालनी पड़े, चोंच तो हमेशा तैयार। शुरू चोंचन मार बिदारिस देही। और रावण कहां कहां बचावे, एक ही क्षण के लिए सही, लेकिन रावण पराजित हुआ, जटायु जी विजयी हुए। दंड एक भई मूर्छा ते ही, प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका चरित्र है उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। रावण मूर्छित हो गया, जटायु जी ने धारिकज विरत की न मही गिरा, सीत ही राख गीध पुनि फिरा, बाल पकड़ के नीचे गिराया और श्री सीता जी को एक और बिठा कर फिर गया लौट कर। एक महात्मा कह रहे थे कि रावण मूर्छित था, जब तक रावण मूर्छित था जटायु जी चाहते तो उसकी 20 आंखों का ऑपरेशन कर सकते थे कि नहीं, चोंच से रावण को देखते ही नहीं फिर क्या करता वो, पर जटायु जी ने नहीं किया। किसी ने जटायु जी से कहा कि वार क्यों नहीं करते इस पर, जटायु जी ने कहा कि मैं भारतवर्ष का पक्षी हूं, भारत धर्म प्राण देश है, हमारे यहां हर चीज का धर्म है, युद्ध का भी धर्म है। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जिस मैदान में हुआ, उस मैदान का नाम ही हो गया धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव मामकः पांडवास्तेव किम कुरुवत संजय। इतने बड़े युद्ध के मैदान का नाम धर्म क्षेत्र क्यों, शायद इसलिए कि तब युद्ध में धर्म का ध्यान रखा जाता था, समय से शुरू होता था युद्ध, समय पर बंद होता था, और युद्ध बंद हो जाने के बाद दोनों दलों के लोग एक दूसरे के पास आपस में आ जा सकते थे, यह हमारे यहाँ की परंपरा थी। अपने से बड़ों से युद्ध करना पड़े तो हम अर्जुन भी बाण छोड़कर पहले धरती में पितामह भीष्म को प्रणाम करते थे, उसके बाद बाण वर्षा होती थी, ये धर्म था। अब जमाना बदल गया है, पहले युद्ध में धर्म था, अब धर्म में युद्ध आ गया है। पहले हम युद्ध में धर्म का ध्यान रखते थे, आजकल हम धर्म में युद्ध का ध्यान रखते हैं। अद्भुत स्थिति। जटायु जी ने कहा कि मैं वार नहीं करूंगा, मैं भारतवर्ष का पक्षी हूं, और हमारे यहां कहा गया है कि मूर्छित पर युद्ध छोड़कर भागे हुए पर या शरणापन्न हो जाने पर शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। मैं नहीं वार करूंगा। अरे वार नहीं करोगे तो अजीब आदमी हो, मर जाओगे, अभी रावण की मूर्छा दूर हुई तो तुम्हें मार डालेगा। जटायु जी ने कहा अधर्म पूर्वक जीने की अपेक्षा धर्म पूर्वक मर जाना अच्छा है। हम मरेंगे धर्म पूर्वक। और सचमुच रावण की मूर्छा दूर हुई,
और उसने देखा कि कोई बात नहीं बन रही, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना काड़े से परम कराल कृपाना, कृपाण निकाली, तलवार नहीं। तलवार और कृपाण में अंतर है, तलवार वो जिसमें एक तरफ धार हो और कृपाण वो जिसमें दोनों तरफ धार हो, उसका नाम ही है कृपा, ना इधर कृपा ना उधर कृपा, दोनों तरफ धार ही धार। पंख कट गए और जटायु जी के पंख कटे, धरती पर गिर गए। लेकिन आप देखो, धर्म पूर्वक पराजित होने वाले महात्मा जटायु भगवान को याद करते हैं। काट सी पंख परा, काट सी पंख परा, भग धरनी से पंख परा कर करनी सुमिरी राम कर अद्भुत करनी, सुमिरी राम कर अद्भुत करनी, काटे सी पंख परा करनी धरती पर गिर गए। जटायु जी धरती पर गिर गए, लेकिन सुमिरि राम कर अद्भुत कर गए, राम जी का स्मरण कर रहे। शरीर रक्त रंजित है, पंख कट गए, अब आए दुनिया वाले। ये दुनिया वाले आते ही तब हैं जब आप किसी काम के ना रहे, सहयोग करने नहीं आते। नहीं, जब जटायु जी गए थे तभी आ जाते। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, भय चराचर जीव दुखारी दुखी तो हुए। एक गहरा तालाब, लोग नहाते थे जाकर, तैरने वाले और प्रेम से नहाते। तब तक देखा सब लोग बाहर निकल आए, एक बालक किनारे बैठ के नहा रहा, तो उसका पांव फिसला, वो तालाब में गिर गया, लगा डूबने। अरे बचाओ 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 बचाओ, भीड़ जुट गई। अरे बचाओ, किसी के प्राण, उस बेचारे के प्राण जा रहे, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। और मजे की बात ये, हल्ला सब मचा रहे थे, डूबने को कोई तैयार नहीं, कूदने को कोई तैयार नहीं। ऐसे ही होता है, आजकल भी बहुत हल्ला मचता है। कोई दुखी हो तो अरे बड़ा दुखी बेचारा, बड़ा दुखी, पर सुखी कैसे हो, कोई करने को तैयार नहीं। तब तक देखा एक नौजवान गिर गया, उसको भी एक डुबकी लगी, पर उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा, बाहर निकाल के ले आया। लोगों ने कहा वाह बहादुर, तूने नौजवानों की लाज रखी। कोई बोला इसको फूल माला पहनाओ, कोई बोला इसका अभिनंदन समारोह करो, कोई बोला इसकी शोभा यात्रा निकालो। वो आदमी बोला ये सब बाद में करना, हमें ये बताओ पहले पीछे से धक्का किसने मारा था। वो भी धक्का लगने पर गया। हम लोग बिना धक्का के ऐसी पुरानी गाड़ी हो गए कि बिना धक्का के हम स्टार्ट नहीं होते। हमारे पास थी पुरानी एम्बेसडर, चलते चलते बंद हो जाए तो ड्राइवर कहता है महाराज उतरना पड़ेगा। हमने कहा क्यों? बोले बंद हो गई, धक्का लगेगा। तो उसको धक्का लगाते स्टार्ट हो जाती। एक बार वो फिर बंद हुई तो हमने कहा कोई बात नहीं, उतर के हम लोग धक्का लगाते। बोले अब नहीं होगी स्टार्ट। कहा क्यों? बोले बैटरी में जान हो तो धक्का से स्टार्ट हो जाए। तो हमारी बुद्धि रूपी बैटरी में जान हो तो धक्का से भी हम स्टार्ट हो जाएं। जटायु जी के पास लोग आए और लोगों ने कहा जटायु जी क्या आप नहीं जानते थे कि रावण से उलझने का यही फल होगा? जटायु जी बोले जानता था। तो लोग बोले जब जानते थे तो क्यों मरने गए थे, क्या करते? चुपचाप बैठते जैसे हम लोग बैठे थे। जटायु जी ने कहा मैंने देखा कि जिस देश में धर्म की दुहाई दी जाती है, जिस देश में धर्म के मर्मज्ञ लोग बैठे हों,
धर्म के जानकार बैठे हों, धर्म के ज्ञाता बैठे हों, उस देश में एक देवी का हरण होता रहे और सारे धर्म के ज्ञाता चुपचाप बैठे रहे। अगर आज इस देश की ये दशा है तो आगे क्या होगा, इसलिए मैं नमूना बनकर सामने आ गया। कम से कम किसी एक ने तो धर्म का पालन किया। तो बोले धर्म का पालन करने से क्या फायदा, क्या मर रहे हो? जटायु जी ने कहा कि मरना तो है ही, लेकिन उस दिए से पूछो जो रात भर जलता रहा सवेरे बुझ रहा था। किसी ने कहा दिए तुम्हें दुख नहीं होता, तुम रात भर जलते रहे सवेरे बुझ रहे हो। दिए ने कहा चाह स्नेही स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। अनेकों को मार्ग मिल गया। जटायु जी के पंख कट गए। मैंने कल वंदन किया था, आज स्मरण हुआ। परम पूज्यपाद पूज्य पंडित श्री रामकिंकर जी महाराज का, उनकी बड़ी कृपा, कैसी भावपरक ओजस्वी व्याख्याएं और कैसे आध्यात्मिक अर्थ, अद्भुत रहस्योद्घाटन उनके द्वारा होता था। एक भाव पूज्य महाराज जी का, उन्होंने कहा कि देखो भक्तों की सोच सदा अनुकूल सोच ही होती है। जटायु जी के पंख कट गए और कागभूषुण जी को पंख मिल गए, पर कागभूषुण जी से कहा कि तुम्हें पंख मिल गए, कौआ बना दिए गए, दुख नहीं होता? कागभूषुण जी बोले कि हमें दुख नहीं होता, अगर हम मनुष्य रहते, अयोध्या जाते, फिर परिचय देते, बड़ी मुश्किल से महल में एक आध बार प्रवेश मिलता राम जी के दर्शन के लिए, लेकिन अच्छा किया आपने कौआ बना दिया, पंख दे दिए, अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा, सीधे आंगन में उतर जाऊंगा। लेकिन यही बात जब जटायु जी से कही तुम्हारे पंख कट गए, अब तुम्हारे तो गति रही नहीं, कैसे जाओगे भगवान के पास? जटायु जी ने कहा यह भी खुशी की बात है, पंख होते तो जिम्मेवारी मेरी होती कि उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तब भगवान की जिम्मेवारी है कि वे चलकर मेरे पास आए। जटायु जी याद भी कर रहे हैं। गीतावली में श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, लोग तो चले गए, मरत न मैं रघु बिलो के, मरत बिलो के, मरत तापस वेश बनाए चाहत चलन प्राण पामर बिनु सिय सुधी प्रभु ही सुना चलत न स्मरण कर रहे हैं। आंख बंद है, मरत न मैं रघुवीर बिलोके तापस वेश बनाए चाहत चलन प्राण पामर बिनु सिय सुधि प्रभु ही सुनाए। श्री सीता माता की सुधि सुनाए बिना प्राण जा रहे हैं। आंख बंद है, अश्रुपात हो रहा है, हृदय भगवान श्री राम के स्मरण से भरा है। बार बार कर मीज शीश धुनी गीधराज पछताई
तुलसी प्रभु कृपाल उते ही अवसर आए गए दो भाई। दोनों भाई आ गए। अब श्री राम जी ने जटायु जी की जो यह छत विछत अवस्था देखी, अति घायल दो कटे पखना, अति घायल दो कटे पखना, रसना तौपे रट लाती रही, तन पीर अधीर परे तब हूं हरि नाम की प्रीति सुहाती रही, रघुनाथ दशा लख के तेही की केही की उमगे बिनु छाती रही, गति गीध की देख दया निधि को सुधि सीय के शोध की जाती रही। भगवान ने देखा, भूल गए श्री सीता जी को खोजना, ये जटायु जी, ये रक्त रंजित शरीर। लक्ष्मण, मैं श्री प्रिया जी के विरह में अत्यंत व्यथित हूं, पर तुम्हें विवेक है, कोई जंगली जड़ी बूटी जानते हो तो ले आओ, जिसका प्रयोग करें तो इनके शरीर का बहता हुआ रक्त रुक जाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, औषधि तो आपके ही पास है। मेरे पास? हाँ, कौन सी औषधि? का शीतल सुखद छांह जेही कर की मेटत पाप ताप माया। आपके कर कमल की छाया पाप ताप माया तीनों को मिटा देती है, उसी का प्रयोग करें। भगवान ने कहा ये ठीक, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान श्री राघवेंद्र ने जटायु जी के माथे पर हाथ रखा। एक संत का भाव है, जटायु जी को लगा कि कोई परिचित आ गया, संसारी आदमी आ गया, हम आंख खोलेंगे, यह हमें देख के रोएगा, हम इसे देखकर रोएंगे, और रोते रोते मर गए तो रोने के लिए फिर पैदा होंगे। आंख बंद किए ही रहे। जटायु जी बोले, भैया कोई भी हो मैं कहता हूं बस जाओ मुझको मरने दो, कोई भी हो मैं कहता हूं बस जाओ मुझको मरने दो, हा राम मंत्र यह माता का आराधना इसकी करने दो। जानकी माता का दिया हुआ मंत्र राम 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 राम। श्री राम जी पुलकित हो गए, सजल विलोचन होकर राघवेंद्र ने कहा, गदगद हुए बोले, प्रभु मैं ही हूं वह राम, भक्त राज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। जटायु जी ने नेत्र खोल दिए, और नेत्र खोले तो निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। जैसे सारी पीड़ा चली गई हो, भगवान राम गिरधराज जटायु को गोद में ले लेते। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, राघव गीध गोद कर लीनो, गोद में बिठाया, गीध को गोद में राख कृपा निधि नैन सरोजन में भरी बारी, अबारही बार समारत पंख जटायु की धूर जटान सुझारी। भगवान अपनी जटाओं से जटायु के पंखों की धूल झड़ाते हैं। पूज्यपाल श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, भवकेज त्रिशूल से ऊपर है, भवकेज त्रिशूल से ऊपर है, प्रभु गोद वही अविनाशी हुई, दृग बिंदु की अंजलि पा रहा था, वही जाह्नवी की जल राशि हुई, रट राम के नाम की ज्योति लगी, वही शंकर मूर्ति प्रकाशी हुई, अहो धन्य है गीध को दंडक की, यह कंटक भूमि ही काशी हुई। भगवान की गोद में जटायु, भगवान ने कहा कि जटायु जी आपकी ये दुर्गति। जटायु जी बोले, दुर्गति नहीं गति, आपकी गोद मिल गई तो गति है, नाथ दसान ने यह गति की नहीं, पर उसने एक काम गलत किया है, तेई खल जनक सुता हरि लीनी। पूरा विवरण सुनाया, आपके दर्शन के लिए प्राण रखे थे, अब आज्ञा हो तो मैं चलूं। भगवान ने कहा, जटायु जी आपके कोई पुत्र नहीं, मेरे पिता अब नहीं रहे, आप कुछ दिन जीवित रह जाएंगे तो मुझे पिता का सुख मिल जाएगा और आपको पुत्र का सुख मिल जाएगा, मेरे जाने तात कछुक दिन जीजे, देखिए आप सुवन सेवा सुख मोह पितु को सुख दीजिए। ये है श्री राम, हमारे श्री राम।
जटायु जी से कहते हैं आप पितृ तुल्य और मैं आपका पुत्र शरीर रखें। जटायु जी ने कहा क्षमिए प्रभु आपके आयस को, सपने हूं नहीं हिय में धरी हैं, निज जीवन राख के जीवन में पछताव की आग सदा जरी हैं। और त्याग सुदेह राजेश सुनो, सुर लोकों लाजे ते मरी हैं, और रिपुते सिय को न छुड़ाए सक्यो, ऐसो तनु राख कहा करी हैं। भगवान ने कहा जटायु जी जीवित नहीं रहे। जटायु जी ने कहा कि प्रभु आपका दर्शन हो रहा है और दर्शन होते होते प्राण जाए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा जटायु जी एक वरदान मांग लो, मुझे प्रसन्नता हुई होगी कि आपने कुछ वरदान तो मांगा। मांगो वरदान प्रिय तात विचुरती, बार देगो सब हार, ये राम रुचि तुम्हारी में देंगे कहा आप। जटायु जी कहते हैं क्या देंगे, हमारे एक संत हुए श्री विनीत जी महाराज, श्री अवध में निवास रहा उनका, उन्हीं का यह छंद है। मांगो वरदान प्रिय तात विचुरती, बार देगो सब हार, ये राम रुचि तुम्हारी में। जटायु जी बोले देंगे कहा आप, रहा पास क्या तुम्हारे नाथ, और देखूं महाराज को विराग भेषधारी में। जानते नहीं हो, राम जी ने कहा। जटायु जी बोले कि आप तो स्वयं बाबा जी बने घूम रहे, हमें क्या देंगे। राम जी ने कहा जानते नहीं हो, कौशलेश रमेश हूं मैं, अखिल भुवनेश वैकुंठ को बिहारी में। जटायु जी बोले आप कोई भी बने रहे, पर गोद ले लिया या गृद्ध को विनीत याते, प्रभु की संपत्ति को भयो हूं अधिकारी में। आपने मुझे गोद ले लिया। भगवान राम ने जटायु जी को अविरल भक्ति का वरदान दिया। अविरल भगत मांग वर गीध गए वो हरिधाम, और जटायु जी को हरि रूप प्राप्त हुआ। जब श्री जटायु जी को हरि रूप मिला तो जटायु जी ने कहा प्रभु यह आपकी कृपा का फल है। भगवान ने कहा कृपा का नहीं, तुम्हारे कर्म का फल है। तात कर्म निज ते गति पाई, करम निज ते गति पाई, तात कर्म निज ते निज ते गति पाई। तुम्हारे कर्म का फल है। जटायु जी बोले कि हमने क्या किया महाराज। भगवान ने कहा कि तुमने धर्म का पालन किया। जटायु जी बोले धर्म का हमने, हाँ कौन सा धर्म। भगवान ने कहा जटायु जी परहित बस जिनके मन माही, तुमने परहित धर्म का पालन किया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं जो परोपकार करते हैं, परहित करते हैं। ये तुलसीदास जी का संदेश है, ये श्री रामचरितमानस का संदेश है कि हम परहित करें, परोपकार करें। अब तो हे भगवान, एक बार एक महात्मा जी ने अपने तीन चेलों को उपदेश दिया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो। तीनों बोले जरूर करेंगे गुरुजी। लेकिन क्या होता परोपकार, बोले भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखी की सहायता, यही सब परोपकार होता है। तीनों बोले करें, एक काम जरूर किया करो। हाँ गुरु जी जरूर। दूसरे दिन शाम को लौटे
कुछ परोपकार का काम किया, हमारा किया क्या? बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही थी, हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार कराई। ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद करना चाहिए ऐसे ही काम। अब दूसरे से पूछा तुमने, दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। तो ये दो की जरूरत क्यों पड़ी? शायद सामान रहा होगा कुछ ऐसे। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने, तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि तीन की जरूरत क्यों पड़ी। एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में तीन की जरूरत क्यों पड़ी? तीन की जरूरत क्यों पड़ी? तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात यह थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं था, तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? बोले हमें परोपकार करना था, तो हमने बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार कराए। वो बोली हमें नहीं जाना। बोले तुझे नहीं जाना पर हमें तो परोपकार करना है। तो उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़ लिए और खींच कर ले जाओ, तो गालियां देने लगी तो तीसरे ने हाथ पकड़ा, तीनों ने मिलकर परोपकार कर दिया। गुरुजी बोले मूर्खो वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया? बोले गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। अब बोलो ये परोपकार है, ये परहित है। बहुत बार तुम धर्म के नाम पर धर्म करते रहते और धर्म के नाम पर हम जो धर्म करते हैं उसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता और हम अपने को धर्मात्मा मानते रहते हैं। देखो भगवान इसी धर्म पर प्रसन्न होते हैं। भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से, भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से, रघुवर रिझेला रिझावेला कवन गुण से, भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से, कवन गुण से, कवन गुण से, ओ कवन गुण से, ओ कवन गुण से, भगवान दी झेला रिझावेला कवन, ओ भगवान दी झेला रिझावेला कवन गुण से, रिझेला रिझावेला कवन गुण से, कवन गुण से, हो कवन गुण से, कवन गुण से, कवन गुण से, भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से, ओ भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से। भोजपुरी बोली का यह भजन भगवान के स्वरूप को कौन समझ सकता है? इस असमर्थता का द्योतक तुलसी धरेंगे राम अपनी धरनी, आज तलक नहीं समझल कोई रघुवर तोरा नीति, आज तलक नहीं समझल कोई रघुवर तोरा नीति, किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू प्रीति, किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू प्रीति, आपन किकरा के, आपन किकरा के बनावेला कवन गुण से,
आपन टिकरा के बनावे पवन गुण से, कवन गुण से हो कवन गुण से पवन गुण से हो पवन गुण से रघुवली जे लागे रघुवर नीचे लावे जावेला कबन गुण से, रघुवर नीचे लावे जावेला कबन गुण से। रघुवर नीचे लावे जावेला कबन ओ रघुवर भी जेला रे जावेला कबन गुण से। अब देखो बहुत लोग हैं जो मुक्ति पाने की साधना करते हैं, मुक्ति मिले पर भक्त लोग नहीं करते। मुक्ति निरादर भगत लुभाने, जिम थल बिन जल रह न सकाई, कोट भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भगति बिहाई। कौन मोक्ष की सोचे भक्ति करो, कौन मोक्ष की सोचे धर्म का पालन करो। मोक्ष तो फल है। हमारे यहां कहा गया रिते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, इस बात का यह अर्थ नहीं कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान से तो यह पता चलता है कि हम मुक्त हैं, ज्ञान मुक्ति नहीं देता। ज्ञान तो मुक्त स्वरूप का अनुभव कराता है। श्री पूज्य पाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक बार चर्चा कर रहे थे कि मैंने अवध के एक संत से कहा, पूछा कि महाराज हम लोग कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति होती है और आप लोग कहते हैं कि सरयू जी स्नान से मुक्ति होती है, अथवा विष्णु पाद उत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये समझ में नहीं आता कि सरयू स्नान से मुक्ति मिलती है कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे, उन संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मुक्ति मिलती का मुक्त तो हो ही, तो कोई सुनकर ये मान लेता है कि हम मुक्त हो गए और कोई सरयू स्नान करके मान लेता है कि हम मुक्त हो गए। मुक्त तो है ही, मुक्ति के लिए क्या प्रयास करना। बल्कि हम मुक्त नहीं है, इस अध्यास को मिटाने का उपाय करना है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी के पास कुछ गधे थे, वो अपने गधों को बांध रहा था, काम काज करता था, सब गधे बांध दिए, उसने एक गधा रह गया, उसकी रस्सी खो गई। अब रस्सी ना मिले तो ऐसे ही बैठा, गधे का कान पकड़े। उधर से एक महात्मा निकले, भगत जी क्यों बैठे हो, क्यों बैठे? महाराज इस गधे की रस्सी खो गई है। महात्मा बोले हद हो गई, गधों को भी बांधने के लिए रस्सी की जरूरत? तो फिर महाराज बांधे कैसे, रस्सी नहीं है? बोले ऐसे ही बांध दो तुम तो। कैसे? बोले बिना रस्सी के। हाँ ये ठीक है। तो उसने बस रस्सी तो थी नहीं, ऐसे खींचा और ऐसे गले में ऐसे लगा के खूंटे से लपेट कर बांध दिया। और गधे ने भी समझ लिया कि हम बंध गए। वो गधा कैसा जो इतना भी ना सोच सके, उसे भी तो अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करनी थी। रात भर बंधा रहा और गधे तो हिले डुले भी, वो नहीं हिला, तगड़ा बांध दिया था। सवेरा हुआ, उस आदमी ने सब गधों के गले की रस्सी खोली, उसे बांधा ही नहीं था जो खोलता।
अब उसको वो डंडा मारे, वो गधा चले नहीं, वहीं वहीं हिले इधर से उधर। अब वो बार बार का एक रस्सी नहीं है चल, पर गधा कैसे मान ले के नहीं है, उसे तो बाधा था। वो दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास गया, महाराज क्या चमत्कार कर दिया आपने, वो गधा हिलते ही नहीं है अपनी जगह से। महात्मा हंसे, बोले कोई चमत्कार नहीं, गधों को तो हर बात चमत्कार लगती है। तुमने उसे खोला था कि नहीं, खोला था कि नहीं, बोले उसे बांधा ही कब था, बोले जैसे बांधा था वैसे ही खोल दे। और वो आया सो उसने ऐसे ऐसे करके जो खोल दिया, गधा समझ गया कि मुक्त हो गए। ये हम लोगों का गधापन है, हमने मान लिया कि हम बंधन में हैं और हमने मान लिया कि हम मुक्त हो गए। अरे हम मुक्त हो नहीं गए, हम तो मुक्त थे ही। और जो सहज प्राप्त है उस मुक्ति के लिए क्या प्रयास करना। हम लोग धर्म का पालन करें, भक्ति का आचरण करें, सेवा का आचरण करें, मानवता का आचरण करें। भगवान राम यही कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही तिन कहां जग दुर्लभ कछु नाही। जो परोपकार का पालन करते हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दीध देह तज धरि हरि रूपा भूषण बहु पट पीत अनुपा। पीत अनुपा पीत के धर ते हर रूपा भूषण पट कर गयो अनुपा। भूषण बहु पट पीत अनुपा देखी क्रिया यथोचित निज कर की नहीं राम। और उस क्रिया के बाद धूम्रयान सा उठता दिखाई दिया। भगवान उस धूम्रयान को देखकर कहते हैं, जाओ जाओ हे भक्तराज, जाओगे मेरे धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो कर चले ऋणी इस राम को तुम। ये जटायु जी के प्रति भगवान का प्रेम। और भगवान आगे बढ़ते हैं, कहां जा रहे हैं, ताहि देई।